हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू सूजी स्नैक्स की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू सूजी स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 कच्चे आलू, छोटी बड़ी साइज़ के हैं ये। आप 2 मीडियम साइज़ के आलू ले सकते हैं, उसे आपको इस तरह से मीडियम होल में ग्रेट करना है। मीडियम साइज़ के जो होल है उसी के अंदर आपको ग्रेट करना है। कुछ इस तरीके से आपको ग्रेटेड आलू मिलेंगे। ये देखिए मैंने सारे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। एक बर्तन में मैंने पानी लिया है, साफ़ पानी के अंदर आपको इस तरह से ये जो कद्दूकस किए हुए आलू हैं उसको डाल देना है ताकि आपके आलू जो है वो काले ना पड़े इनका। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे आपकी कढ़ाई गर्म हो जाए उसके अंदर आप ऐड करें 1 से 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद आप ऐड करें इसके अंदर 1 चम्मच जीरा और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको पहले अच्छे से चटकने दें, अच्छे से फ्राई होने दें जीरे और हरी मिर्च को। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए उसके अंदर ऐड करेंगे ये 2.5 कटोरी पानी। सेम इसी कटोरी के नाप से हमें सूजी लेनी है, इसीलिए मैंने इसी कटोरी से 2.5 कटोरी पानी लिया है। ये देखिए मैंने इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी डाल दिया। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 पाउच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये रेडीमेड हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 1 से 2 लाल मिर्च को, साबुत लाल मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं। 1 ओरिगेनो का पाउच, 1 ओरिगेनो का पाउच और 1 रेड चिली फ्लेक्स है, ये आपका काम चल जाएगा। 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स रेडीमेड नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को अच्छे से कूट कर इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर अच्छे से उबाल आने दें। जैसे आपके पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद हम आलू को बहुत ही अच्छे से धोकर इसके अंदर डाल देंगे। आलू डालने के बाद एक बार इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इससे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे आलू भी जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमें इतना ही सॉफ्ट करना है अभी, क्योंकि अभी हम इसे सूजी के साथ भी पकाने वाले हैं। ये देखिए अब मैंने सेम कटोरी की साइज़ से 1 कटोरी सूजी ली है, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था। 1 कटोरी सूजी के लिए आपको 2 कटोरी पानी लेना होता है, लेकिन हमने 2.5 कटोरी पानी इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं। 1/2 कटोरी पानी हमने आलू को बॉईल करने के लिए लिया है और हमें सारी सूजी को एक साथ नहीं डालना है। 1/2-1/2 करके 2 बारी में इसे डालना है ताकि एकाएक इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आपको बहुत सारी इसके अंदर गुठलियाँ नज़र आएगी, आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही आहिस्ता से इसे मिक्स करते हुए इसकी गुठलियों को फेंटना है अच्छे से। ये देखिए हमें इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग गए हैं और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारी सूजी जो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल गई है। इससे ज़्यादा हम इसे ढक्कन लगाकर नहीं पकाएंगे वरना ये नीचे चिपकने लगेगी। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर सूखा हुआ हरा धनिया लिया है, जो कि मैंने पत्तियाँ सुखा कर रखी हुई थी। आप यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया लें, बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डाल दें। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया, थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। जब ये छूने जैसा ठंडा रह जाए उस टाइम पर आप इस तरह से हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद इसे अच्छे से मसल लें ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी गुठली रह गई हो तो आपका आटा जो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए, एक परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाए आपका। ये देखिए मैंने अच्छे से आटे को गूंथ लिया है, मसल लिया है, फिर से मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है हाथ धोने के बाद। अब हम इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और एक छोटी सी बॉल बनाएंगे, जितनी हम पूड़ी बनाते हैं बस उसी साइज़ की, छोटी साइज़ की पूड़ी बनाते हैं वैसी।
और इस तरह से बीच में अंगूठे या फिर उंगली की मदद से एक होल बनाएंगे, जैसा मेदू वड़े में बनाते हैं सेम उसी तरीके से, और बहुत ही आसानी से मेदू वड़ा शेप में आ जाएगा। और मेदू वड़ा शेप में बनाने के बाद इसे हल्का से इस तरह से प्लेट कर लें, एक तरह की रिंग बनकर तैयार हो गई आपकी। आप चाहें तो बस इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से फोक की मदद से इसको हल्की फुल्की डिज़ाइन दे रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप सिर्फ इसे मेदू वड़ा शेप देकर ऐसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं आपको एक और बनाकर बता रही हूँ, ये देखिए फिर से मैंने एक छोटी सी बोल बनाई है। फिर से फिंगर की हेल्प से इस तरह से बहुत ही आसानी से इसमें होल बना लेंगे, बहुत ईजीली ये होल बन जाएगा, बहुत आसानी से आपका मेदू वड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मेदू वड़ा शेप दिया है। ये देखिए बस इसी तरह से मैं सारे मेदू वड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, और मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है। स्नैक्स बनाने से पहले ही मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमें बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, हाई फ्लेम पर ही आपको स्नैक्स को फ्राई करना है। आपको स्नैक्स को फ्राई करते हुए किसी भी टाइम पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी गैस का फ्लेम हाई ही रहेगा, और हाई फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है। और हाई फ्लेम पर ही जब तक ये हल्का सा एक तरफ से सुनहरे ना हो जाए या फिर अलट पलट करने जैसी कंडीशन में ना आ जाए, तब तक आपको इसे टच नहीं करना है। ये देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये किस तरह से बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं अलट पलट करते हुए। अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है, और जब इस तरह से इसका कलर आ जाए उसके बाद इसे फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मेदू वड़ा का कलर कितना प्यारा आया है। बस इसी तरह से आपको सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये देखिए आपके सारे स्नैक्स बनकर रेडी है। अब हम इसे फटाफट गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे छोटी बुक के साथ, चाय के साथ किसी भी टाइम पर बनाकर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपनी किट्टी पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपने एक बार ये स्नैक्स बना लिए तो हर बार आप यही स्नैक्स बनाना चाहेंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।